Hello friends, it is the educators and I am Ketan Garg bringing you the PIB plus Hindu analysis 23rd October 2017 जो हम डिस्कस करेंगे उसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और WhatsApp और Telegram लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। इन लिंक्स पे आप जाकर अपने प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आप अपने जो डाउट्स हैं वो भी क्लेरिफाई कर सकते हो। डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे और डिस्कशन सेशन भी आप ले सकते हो डिस्कशन पेज पर यूट्यूब चैनल के। अभी तक हम कुछ 9 प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्विज है वो डिस्कस कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ से लिंक अवेलेबल हो जाएगा तो आप वो देख सकते हो। तो आइए आज के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, जीएस 3 में देख लेते हैं। सबसे पास पहले अपने पास क्या था, तो पीएम साहब अब तीसरी बार एक महीने में गुजरात गए हैं और इस बार गुजरात जाकर उन्होंने जो मेजर अपने लिए स्कीम जो काम किया वो जो लॉन्च किया वो है रो रो फेरी सर्विसेज बिटवीन घोघा एंड दहेज, ठीक है। तो ये उन्होंने वहाँ पर लॉन्च कर दिया। सबसे पहले देख लेते हैं घोघा और दहेज के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पर मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका घोघा रीजन है, ठीक है, सौराष्ट्र में, और ये आपका दहेज रीजन है। तो यहाँ पर एक रोरो फैसिलिटी जो है वो डेवलप कर दी गई है जिसकी वजह से अब यहाँ पर सिर्फ अगर हम ट्रैवल टाइम देखें तो सिर्फ 31 किलोमीटर का रह गया, 31 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया और 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। इससे पहले क्या होता था, अगर यहाँ से हमें जाना होता था तो पूरा हमें यहाँ से ऐसे घूम कर जाना पड़ता था बाय रोड, ठीक है। तो ये कुछ 284 किलोमीटर्स पड़ जाता था, अराउंड 6 to 7 आवर्स इसमें ट्रैवल टाइम जो है वो लग जाता था। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो पानी था तो ऐसा क्या स्पेशल कर दिया कि अब यहाँ पर जो ये सर्विस स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा जो ये जो सी रूट है, एक तो यहाँ पर आपको ड्रेजिंग करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पानी था वो स्टोन्स वगैरह, और जो जैसे आप राम सेतु के लिए ड्रेजिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी नेचुरल जो थे स्टोन्स और पिलर्स और जो काफ़ी मतलब आप इसमें जो शिप्स हैं वो नहीं ट्रैवल कर सकती थी जिसकी वजह से यहाँ पर ड्रेजिंग करनी पड़ी सरकार को, ठीक है ना। अब ये सी रूट इसको डेवलप कर दिया गया है तो यहाँ से ये जो ट्रैवल टाइम है इतना रह जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है साउथ एशिया में जो इतना ट्रैवल टाइम जो है इतना शॉर्टन कर रहा है। देखें आप कहाँ 6 घंटे लगते थे और कहाँ अब सिर्फ 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं रोरो सर्विसेज क्या होती हैं, इसको रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज भी बोला जाता है, ठीक है। ये स्पेशल शिप्स होती हैं, स्पेशल वेसल्स होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं टू कैरी व्हील्ड कार्गो। अब व्हील्ड कार्गो से क्या मतलब होता है आपका, ये रोरो जो सर्विसेज होती हैं इसमें आप डायरेक्टली अपनी कार्स, ट्रक्स, सेमी ट्रेलर ट्रक्स, ट्रेलर्स, रेल रोड कार्स जो है वो सीधा लेके जा सकते हो उसमें, और वो फिर शिप आपको दूसरी तरफ ले जाएगी उन कार्स और शिप्स के साथ ही, और आप उस कोस्ट पे जाके अपनी शिप्स जो है वो अनलोड कर लोगे। यहाँ पर देखो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल दहेज से घोघा सामान जाना था, ठीक है। तो जो नॉर्मल शिप्स होती हैं उसमें क्या होता है, दहेज के पास यहाँ पर ट्रक्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो अनलोडिंग होगी, उसको शिप में लोड किया जाएगा, फिर घोघा जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर ट्रक्स वेट कर रहे होंगे, ठीक है। घोघा से शिप में से माल अनलोड होगा, ट्रक्स में लोड होगा और फिर वो फर्दर अपनी डेस्टिनेशन पर जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है, अब क्या करना है, दहेज में यहाँ पर रोरो एक वेसल खड़ी है अपनी, यहाँ पर ट्रक्स आएंगे और ट्रक सीधा इस वेसल में चढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये वेसल इन ट्रक्स को लेकर यहाँ घोघा चली जाएगी और घोघा से ये ट्रक्स सीधा यहाँ पर उतरेंगे, कोई लोडिंग अनलोडिंग नहीं करना और अपनी डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कितना लोडिंग अनलोडिंग का जो टाइम है वो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है अपना टाइम इस चीज़ में बच जाता है। तो ये होती हैं आपकी रोरो सर्विसेज, जो हम नॉर्मली जो जिसमें लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती है वो होती हैं आपकी लिफ्ट ऑन लिफ्ट ऑफ वेसल्स, ठीक है। जहाँ पर आपको पहले शिप में लोडिंग करनी पड़ती है, फिर शिप डेस्टिनेशन पर पहुँच जाती है, फिर वहाँ पे आपको अनलोडिंग करनी पड़ती है, उसमें आपका काफ़ी जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो रोरो सर्विसेज जो हैं वो इस चीज़ को अवॉइड कर देती हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे इनॉग्रेटेड फेज़ 1, अभी फेज़ 1 इनॉग्रेट हुआ है, इसमें अभी लोग जा सकेंगे, ठीक है। फेज़ 2 जब इनॉग्रेट हो जाएगा तब आपकी ये जो कार्गो व्हीकल्स हैं, व्हील्ड कार्गो व्हीकल्स हैं, वो भी ट्रैवल कर सकेंगे। तो हमने डिस्कस कर लिया है कि 7 से 8 घंटे लगते थे पहले जाने में, बाय रोड जाना पड़ता था, और अब सिर्फ 1 घंटे के आसपास जो है वो इसमें लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर मेंशन द गवर्नमेंट स्ट्रेस ऑन ब्लू इकोनॉमी, अब गवर्नमेंट ब्लू इकोनॉमी की बातें करती रहती है, तो ये एक मेजर स्टेप है सरकार का ब्लू इकोनॉमी की तरफ, एंड सेड इट इज़ एन इंटीग्रल विजन टू
ऑफ न्यू इंडिया। अब विजन ऑफ न्यू इंडिया में क्या था? विजन ऑफ न्यू इंडिया में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विजन ऑफ न्यू इंडिया सरकार का ये है कि जॉब्स क्रिएशन करना है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है इंडिया का। तो आप देखेंगे कि अगर पोर्ट सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगे, ठीक है, और इसी को नज़र में रखते हुए सरकार जो है वो पोर्ट्स के लिए फर्दर प्लान्स बना रही है उनकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें वन ऑफ द मेजर स्टेप है आपका जो ये फेरी सर्विस स्टार्ट की गई है घोघा और दहेज के बीच में। इससे एक चीज़ और भी होगी जो यहाँ पर मेंशन नहीं है पॉइंट, लेकिन आप लिख सकते हैं कि अगर आप देखें कि पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, बाय रोड जाना पड़ता था, अब 1 घंटे में ट्रैवल हो जाएगा, तो पेट्रोल कितना बचेगा, ठीक है। अब ये देखिए ना, पेट्रोल जो है कितना ज़्यादा बचेगा, पहले आपको 8 घंटे गाड़ी चला के जाना होता था, कितना पेट्रोल लग जाता था, तो वो एक जो है कंट्री के लिए सेविंग होगी। हम पैसे भी पेट्रोल इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, तो कितना ज़्यादा उसमें हम सेव कर सकते हैं। इन घोघा ही सेड, प्राइम मिनिस्टर सेड, द सेंटर्स सागरमाला इनिशिएटिव टू डेवलप न्यू पोर्ट एंड एक्सपेंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर वुड पुश इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पुश होगी, मोर देन 1 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड। ये मैं आपसे पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी एक आर्टिकल था हिंदू में, डिमसम टूरिज्म एंड देन सम सॉफ्ट पावर अनलीश, ठीक है। तो इस आर्टिकल की थीम मेनली क्या थी? द थीम वॉज ग्रोइंग टूरिज्म एज अ सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया, ठीक है, ग्रोइंग टूरिज्म को सॉफ्ट पावर की तरह कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले तो आर्टिकल में जो ऑथर है उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल लिया है, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने कैसे चाइना के टूरिज्म सेक्टर को एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ किया है। तो उन्होंने बताया कि वन ऑफ द की टूल्स दैट शी जिनपिंग हैज़ यूज्ड इन इज सॉफ्ट पावर टू पोजीशन चाइना एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, ठीक है। जो सॉफ्ट पावर होती है वो आपकी आपकी कंट्री को एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर शो करती है, और चाइना में शी जिनपिंग ने यही यूज़ किया। अब आपकी सॉफ्ट पावर होती क्या है? जो सॉफ्ट पावर पहली बार जो टर्म ये कॉइन की गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर जोसेफ नाई ने की थी 1990 में, और इट डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस अ नेशन एग्जर्ट्स थ्रू कल्चर एंड वैल्यूज, कल्चर एंड वैल्यूज को अपने शो करके, कल्चर एंड वैल्यू एक्सचेंज करके दूसरी कंट्रीज के साथ जो हम पावर एग्जर्ट करते हैं उसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है, ठीक है। तो चाइनीज गवर्नमेंट हैज बीन इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन बूस्टिंग इट्स अपील अब्रॉड, चाइना अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एस्टैब्लिशिंग कल्चरल स्टडी सेंटर्स एंड प्रमोटिंग चाइनीज कल्चर एंड वैल्यूज। मोर देन 135 मिलियन चाइनीज ट्रेवल्ड आउटसाइड चाइना इन 2016। देख रहे हैं कि अब चाइना मतलब कितना ओपन है, कुछ 135 मिलियन चाइनीज ने ट्रेवल किया है, और जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे अपना चाइनीज कल्चर लेके जाएंगे, अपने चाइनीज कल्चर को उस कंट्री में प्रमोट करेंगे, फॉरेन कंट्री में प्रमोट करेंगे, और दिखाएंगे कि हाँ हमारे कल्चर में ये स्पेशलिटीज़ हैं, फर्दर एनवेलपिंग द सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना एंड स्पेंडिंग क्लोज टू $261 बिलियन ऑन फॉरेन ट्रेवल। अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, वर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पेंडर्स, ठीक है, टूरिज्म में अगर किसी ने सबसे ज्यादा खर्चा किया तो उनमें से एक चाइना है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम देख लेते हैं कि इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया को क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें पता है कि इंडिया का डेफिसिट बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ, ठीक है, तो ट्रेड हमें कैसे हेल्प कर सकता है इस डेफिसिट को रिड्यूस करने में। इंडिया का अभी कुछ $51 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, लेकिन अगर हम टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करते हैं, चाइना में जाके टूरिज्म को अपने प्रमोट करते हैं, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज इंडिया में आएंगे, वो इंडिया में अपना खर्चा करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, घूमने पर खर्चा होगा, होटल रहेंगे वहां पे खर्चा करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो इंडिया में पैसा आएगा जिससे हम ये डेफिसिट जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हमारे बायलेटरल और कमर्शियल रिलेशंस जो है वो भी इंप्रूव होंगे, ठीक है। अब हमें स्टेप्स क्या क्या लेने की जरूरत है? सबसे पहले हमें आइटिनरीज क्रिएट करने की जरूरत है। अब आइटिनरीज क्या होती हैं? आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आप कहीं पे भी टूरिज्म प्लान करते हैं अपना, घूमने जाने से पहले हम उस जगह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, हम उस जगह के बारे में थोड़ी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या कहीं ना कहीं इमेजेस देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि वहां पर घूमने को क्या क्या जगह है। तो ये आम सी बात है, हर कोई करता है, हम भी करते हैं कहीं घूमने जाने से पहले। तो इंडिया को क्या रिक्वायर्ड है, जो इनके हमारे टूरिज्म हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, जो मेजर टूरिज्म हॉटस्पॉट्स हैं, हम उनके अच्छे से आइटिनरीज क्रिएट करें, ठीक है। हम आइटिनरीज में ये डालेंगे क्या क्या जगह घूमने की है, क्या उनकी स्पेशलिटी है, ठीक है, और वहाँ पर स्टे कैसा है, वहाँ पर फूड आइटम्स की क्या स्पेशलिटी है। फूड टूरिज्म इंडिया में बहुत मेजर चीज़ है, तो इसको हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल मध्य प्रदेश, तो इसको फर्दर डेवलप करने की ज़रूरत है, एक लाइवली एक्सपीरियंस देने के लिए, कि विजिटर को वहाँ पहुँचने से पहले अगर वो उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहा है तो उसको एक ऐसा लाइवली एक्सपीरियंस मिले कि वो फर्दर प्रमोट हो, कि वो उधर हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पर विजिट करे।
ठीक है, तो इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है टूरिज्म का, हमारे पास रिच वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, इन जहाँ पर हम इन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो ये कल्चरल साइट्स हैं, उन वहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने सब कुछ डेवलप कर लिया, लेकिन अगर आपने उसकी मार्केटिंग नहीं करी तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आइटिनरीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक्सपीरियंशियल आइटिनरीज क्रिएट करेंगे, जिसमें हम स्पेशली कल्चरली रिलेटेड लोकेशंस के बारे में बताएंगे। जैसे अगर हम चाइना की मार्केट को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, या जापान की मार्केट को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं, तो हम बुद्धिस्ट सर्किट को टारगेट करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि कुछ चाइना में 400 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, तो अगर हम बुद्धिस्ट सर्किट को टारगेट करें, उसके लिए प्रॉपर आइटिनरीज डेवलप करें और चाइना में जाके उसको प्रमोट करें, तो कितना टूरिज्म आ सकता है इंडिया में, ठीक है। वैसे योगा रिट्रीट्स, जो योगा एंथुसियास्ट हैं, चाइना में कुछ 2 लाख योगा टीचर्स हैं, तो अगर हम योगा के लिए हम प्रमोट करें, प्रॉपर आइटिनरीज डेवलप करें, तो कितना टूरिज्म जो है इंडिया खींच सकता है वहाँ से। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें टूरिज्म फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो क्या हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी, इजी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब आप कोई चाइनीज़ एयरपोर्ट पर तो आ गया, ठीक है, लेकिन उसे बोधगया तक जाने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, ठीक है, किसी बुद्धिस्ट को, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तंग होकर बेचारा वापस चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा, और चाइना जाके 50 लोगों को ये बोलेगा कि भैया वहाँ मत जाना, वहाँ बड़ी खपत होती है, पहुँचने में 2 दिन लग गए, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है, वहां पर अच्छे रूम्स अवेलेबल नहीं है, लॉजिंग अच्छी नहीं है, तो कोई आपका फॉरेन टूरिस्ट नहीं आएगा। वाटर, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, ठीक है, हाइजीन और सैनिटेशन आपको प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पर जो जितने अगर आप देखें रिलीजियस सर्किट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हाइजीन और सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छे रेस्टोरेंट्स की नीड है, अच्छे रेस्टोरेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के क्यूजाइंस सर्व करें, और पर्टिकुलरली इंडिया का जो स्पेशल क्यूजाइन है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके सर्व करें, ठीक है, दोनों रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंडियन क्यूजाइन सर्व कर रहे हैं, अब कोई बाहर का आदमी आया, उसे ज़्यादा नहीं पसंद आया इंडियन क्यूजाइन, और उसके पास बेचारे के पास चॉइस ही ना रहे कि उसे फॉरेन जो उसका खुद का नेशनल फूड है वो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शंस होने चाहिए। हम अपना नेशनल फूड को भी प्रमोट करें और सर्व करें, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बेस पे भी फूड रखें, ठीक है। फॉरेक्स कन्वर्जन ईजी होनी चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीनी आ गया तो वो अपना जो वहाँ की करेंसी है, चाइनीज़ करेंसी है, उसको रुपी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, और उसको बेचारे के बुरे हाल हो गए, क्योंकि चाइनीज़ करेंसी कोई शॉपकीपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ATMs को डेवलप करने की ज़रूरत है, प्रॉपर ATM स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो डिजिटल कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं और वो कैश कैरी नहीं करते हैं, उनके पास कार्ड्स होते हैं, और इंडिया में ATM जो अवेलेबिलिटी हम जानते हैं कि कम है, तो प्रॉपर ATM अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे। और सेल्फी स्पॉट्स बहुत रिक्वायर्ड हैं, आजकल सेल्फी आप देख रहे हैं कि हर आदमी को सेल्फी खींचने का शौक है, तो प्रॉपर सेल्फी स्पॉट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ताजमहल के बाहर खड़े हैं, तो ताजमहल के बाहर एक प्रॉपर स्पॉट डेवलप किया जाएगा, जहाँ से खड़े होकर अगर आप सेल्फी लेंगे तो प्रॉपर ताजमहल बैकग्राउंड में आएगा, ठीक है। तो सेल्फी स्पॉट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। और क्या करने की ज़रूरत है, ऐप बेस्ड सर्विसेज बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए टूरिस्ट ऐप्स क्रिएट कीजिए आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर चाइनीज़ के लिए ही एग्जांपल लिया गया है कि आप ऐप क्रिएट कीजिए, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, एंट्री एयरपोर्ट्स पे आप ऐप जो है वो डाउनलोड करवा दें प्रॉपर। दिस कुड कंटेन, इस ऐप में क्या क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन लाइक हेल्पलाइन नंबर फॉर कॉन्जुलेट्स, जिस भी कंट्री का कोई बंदा आ रहा है उसकी कॉन्जुलेट का हेल्पलाइन नंबर, पुलिस एंड मेडिकल इमरजेंसीज जो होती हैं, मैप्स होने चाहिए उस एरिया के, इन्फॉर्मेशन इन रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो कंटेन की जा सकती है। दूसरी चीज़ क्या की जा सकती है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल अलाउ द यूथ टू गेट कल्चरली इमर्स्ड एट एन अर्ली एज, ठीक है। तो यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो आर्टिकल है ये मेनली इंडिया और चाइना के बीच में टूरिज्म को डेवलप करने की बात कर रहा है, लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये आप ओवरऑल अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए देखें तो ये सारे पॉइंट्स वैलिड हैं उस चीज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना के साथ हमें टूरिज्म डेवलप करना है, हम इंडिया को एक टूरिज्म हब बनाना चाहते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हर कंट्री के साथ रेलिवेंट है, ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि हम एक पूल ऑफ लैंग्वेज
ट्रांसलेटर्स बनाए जो सर्विस प्रोवाइड कर सकें अगर बाहर की कोई कंट्री से आता है। अब इसमें आप चाइनीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रांस का एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्रेंच जो लोग होते हैं वो इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो फ्रांस ट्रांसलेटर्स, जर्मन ट्रांसलेटर्स, ये एक पूल ऑफ ट्रांसलेटर्स हमें डेवलप करना चाहिए जो सर्विसेज अपनी जो है टूरिस्ट को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज़ कल्चरल एक्सपोर्ट। अब इंडिया का कल्चरली बहुत रिच रहा है और हमने अपना जो कल्चर है वो एक्सपोर्ट भी किया है, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया है। लास्ट टाइम हमने चाइना में अगर कुछ अपना कल्चर एक्सपोर्ट किया था तो वो था, हमने चाइनीज़ को सिखाया था टू बैलेंस ऑन वन फुट। कुछ 1600 साल पहले एक बोधि धर्मा नाम के इंसान होते थे साउथ इंडिया में, ठीक है, तो जो ये बोधि धर्मा थे इन्होंने क्रॉस किया डिस्टेंट माउंटेन्स को और माइटी एंगजे जो रिवर है चाइना में वो क्रॉस करके वहाँ पर जाकर उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टाइल ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट एग्जिस्टिंग टुडे शाओलिन कुंगफू, ये इन्होंने वहाँ पर डेवलप किया। तो ये शाओलिन कुंगफू जो है ये चाइना को इंडिया की देन है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया चाइना में। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं, जैसे इंडियाज़ बेटर नोन एक्सपोर्ट टू चाइना इंक्लूड्स बुद्धिज़्म, ठीक है, जिसने सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंटेशन भी है जिसके लिए, तो इंडिया फर्दर अपने कल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है कि हाँ भैया हमने बुद्धिज़्म डेवलप किया, बुद्धिज़्म सर्किट्स डेवलप कर दें, ठीक है, कुंगफू मार्शल आर्ट्स के लिए हम सेंटर्स डेवलप करें, तो उससे हम जो है अपने जो हमने एक्सपोर्ट किया उसको फर्दर हाईलाइट कर सकते हैं। अब ट्रेड को स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज़ किए करें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड को, टूरिज्म को हम स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकल उसमें कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजिकली कैसे यूज़ करें। तो इंडिया कुछ स्पेंड करता है अराउंड $28 बिलियन, इंडियंस जो हैं वो अगर बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने घूमने जाते हैं टूरिस्ट वो अराउंड $28 बिलियन जो है वो अब्रॉड में स्प्रेड करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा या द हिंदू नहीं कह रहा, ये UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, ठीक है। और इस $28 बिलियन में से अराउंड हम $13.6 तो सिर्फ US में ही खर्चाते हैं, ठीक है। द स्पेंडिंग पोटेंशियल चैनलाइज टूवर्ड्स कंट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब जो ये स्पेंडिंग है $28 बिलियन की स्पेंडिंग है, इसको अगर हम चैनलाइज कर दें टूवर्ड्स कंट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक चाइना, जापान, म्यांमार एंड नेपाल, ठीक है, तो ये एक ट्रिमेंडस लिवरेज प्रोवाइड कर सकता है सॉफ्ट पावर की इंडिया को। अब लोगों को कैसे प्रमोट करें, अब कोई हम किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि भैया तुझे US घूमने जाना है, नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कर जापान घूमने जा, वो अपने लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, USA में बहुत लोग घूमने गए हैं, हमने टारगेट रखा था कि $5 बिलियन तक की स्पेंडिंग US में करेंगे, वो हो गई, अब तू जापान घूमने जा, तू US घूमने मत जा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कंसनट्रेटेड एफर्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। अ कंसनट्रेटेड एफर्ट मस्ट बी मेड टू ड्राइव टूरिज्म टूवर्ड्स आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ठीक है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके लिए बायलेटरल एग्रीमेंट्स करें हम, जिससे हम वीज़ा ऑन अराइवल कर दें। अब US जाने के लिए वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, वहीं जापान में हम कहें यार तू US जाएगा तेरे को वीज़ा दे नहीं रहे वो, तू ऐसा कर जापान चला जा, वहाँ तेरा वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा, तेरे को ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ घूम फिर के आ, फुकुशिमा देख के आ, और वहाँ बढ़िया है, US वाले वीज़ा नहीं दे रहे, ठीक है, तो वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दे दो। एनहेंस नेटवर्क एंड एयर कनेक्टिविटी, ठीक है, US से आपको कनेक्टिंग फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, पहले जर्मनी जाएगी, वहाँ आपके 10 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना पड़ेगा, उसके बाद जर्मनी से फ्लाइट US जाएगी, आपका 2 दिन तो एयरपोर्ट पे ही नहीं निकल गया, ठीक है, वहीं आपको जापान भेज देंगे, कहेंगे कि भैया सीधी एयर कनेक्टिविटी मिल रही है, कहीं नहीं रुकना, 4 घंटे में तेरे को जापान पहुँचा देंगे, 2 दिन तो एक्स्ट्रा घूम लेना वहाँ एयरपोर्ट की जगह, ठीक है। इंसेंटिव्स फॉर इंडियन होटल चेंज, भैया US में हमारा कोई इंडियन होटल नहीं है, ठीक है, जापान में हमारे हिंदुस्तानी होटल हैं, US में रहेगा तेरे को $20,000 पड़ जाएगा एक दिन का, वहीं जापान में जाके रहेगा ₹5,000 के हिसाब से तेरे को एक दिन का कमरा मिल जाएगा, सस्ते में तेरा ट्रिप हो जाएगा और बढ़िया घूमने की जगह है, ठीक है। वैसे ही अवेयरनेस क्रिएशन अमंग टूर ऑपरेटर्स को प्रमोट करेंगे, क्योंकि टूर ऑपरेटर्स बताएंगे नहीं नहीं सर US में जाइए, उससे अच्छी जगह है तो जापान में है, सस्ती भी है और सुंदर भी है, US में कुछ भी अच्छा नहीं है सर, बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं है, टूर ऑपरेटर्स को प्रमोट करेंगे, कम्युनिकेशन कैंपेन्स जो हैं वो इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फर्दर हम इसको ट्रेड को और टूरिज्म में जो हम स्पेंडिंग करते हैं उसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अबाउट भितरनिका नेशनल पार्क। तो भितरनिका के बारे में आज न्यूज़ में था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह अट्रैक्ट किए हैं, तो अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ये देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो भितरनिका एक वेटलैंड है आपका, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एज मेनी एज 3 प्रोटेक्टेड एरियाज, नेमली भितरनिका नेशनल पार्क, भितरनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गहिमाता
मेरा इन सेंचुरी ठीक है, बितानी का लोकेटेड बिटवीन ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इन द एस्टुरी ऑफ ब्राह्मणी बैतारणी धारमा एंड महानदी रिवर सिस्टम ठीक है। तो प्री में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस नदी के ऊपर कौन सा नेशनल पार्क है, तो ये याद रखना ब्राह्मणी बैतारणी के ऊपर ये आपकी बितारणी का नेशनल पार्क है। बितानिका कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एडॉप ऑफ एस्टुराइन क्रोकोडाइल, यहाँ पे बहुत मात्रा में मिलते हैं। बितानिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टोर हाउसेज ऑफ मैंग्रोव जीन्स, रिसर्चर्स हैव कम अक्रॉस 11 ऑफ द 70 मैंग्रोव स्पीशीज इन बितानिका विच वर एट एन एलिवेटेड थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन अराउंड द वर्ल्ड ठीक है। तो 11 ऐसी यहाँ पर जो है मैंग्रोव स्पीशीज मिलती हैं, और ये यहाँ पर मैंशन मैं करना भूल गया कि बितानिका नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो आप ये नोट कर लेना ये उड़ीसा में है आपका ठीक है। GS2 देख लेते हैं। इन ढाका सुषमा कॉल्स फॉर सेफ रिटर्न फॉर ऑफ म्यांमार नेशनल्स, तो हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज है, वो अभी ढाका गई हुई थी, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने संडे को वहाँ पर एक्सप्रेस काफ़ी अपने वर्ड्स में किया कि जो वायलेंस है रखीने स्टेट में ठीक है म्यांमार के, वहाँ पर काफ़ी कंसर्न दिखाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जो सेफ रिटर्न होना चाहिए रोहिंग्यास का टू देयर होमलैंड ठीक है। शी सेट इंडिया ऑल्सो सपोर्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द रखीने एडवाइजरी कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कॉफी अनान, तो ये एक कमीशन बनाया था UN ने, इन्होंने काफ़ी सजेशंस वगैरह दिए थे कि आप ऐसे उनको ले आइए वापस रोहिंग्यास को, और उनके सेटलमेंट के लिए ये चीज़ें कीजिए ठीक है। तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंडिया ने अपना सपोर्ट दिया है कि हाँ आप उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। और मिनिस्टर ने ये भी हाईलाइट किया इंडिया का ऑपरेशन इंसानियत ठीक है, तो इंडिया कंटिन्यूसली अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है जो ये रेफ्यूजीज़ है रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ है, तो इंडिया ने इसके लिए एक ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था। इसमें इंडिया ने प्रोवाइड किया कुछ 1,000 टन रिलीफ मटेरियल ठीक है फॉर अबाउट 5 लाख डिस्प्लेस पर्सन ठीक है। तो ऑपरेशन इंसानियत ये याद रख लेना, सीधा सीधा प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन इंसानियत किस लिए और हमने क्यों शुरू किया था। उसके बाद रोहिंग्यास के लिए और कुछ देख लेते हैं। रिटर्निंग रोहिंग्या में नॉट गेट लैंड, नो लैंड ऑनरशिप वॉज फॉर दोज विदाउट सिटीजनशिप, से एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन रखीने स्टेट। तो जो म्यांमारीज गवर्नमेंट है वो रोहिंग्यास को उन्होंने अभी तक अपनी सिटीजनशिप जो है वो नहीं ग्रांट किया, उनका ये कहना है कि जो रोहिंग्यास हैं वो म्यांमार के सिटीजन्स नहीं हैं। तो अब म्यांमार पे इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बड़ा है, तो उन्होंने एग्री किया है कि हाँ हम जो कई रोहिंग्यास जो रिफ्यूजी बांग्लादेश और इंडिया में चले गए हैं उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन म्यांमार इस गवर्नमेंट का ये कहना है कि उन लोगों को कोई लैंड नहीं मिलेगा ठीक है, जिस लैंड पर ये जो रिफ्यूजीज हैं जो फ्ली कर गए म्यांमार को भी पिछले कुछ 1-1.5 महीने में, जिस लैंड पर वो फार्मिंग करते थे वो लैंड उन्हें दोबारा नहीं दिया जाएगा ठीक है। तो रोहिंग्या मुस्लिम्स हु रिटर्न टू म्यांमार आफ्टर फ्लीइंग टू बांग्लादेश आर अनलाइकली टू बी एबल टू रिक्लेम देयर लैंड एंड मे फाइंड दैट देयर क्रॉप्स, जो उनके भागने से पहले वहाँ से जो क्रॉप खेती बाड़ी वो करके गए थे, हैव बीन हार्वेस्टेड एंड सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने उसकी कटाई वटाई करके उसको बेच दिया एकदम मजा पैसा ले लिया सब, और कह रहे हैं कि अब हम कोई लैंड तुम्हें नहीं देंगे जो तुम छोड़ के गए थे ठीक है। ऑन क्रिएटिंग परमानेंट कैंप्स, अब म्यांमार ने कुछ और भी बोला है, म्यांमार ऑल्सो इंटेंड्स टू सेटल मोस्ट रिफ्यूजीज हु रिटर्न टू रखीने स्टेट इन न्यू मॉडल विलेजेस ठीक है। न्यू मॉडल विलेजेस बनाने की बात की जा रही है, मॉडल विलेजेस कैसे होंगे, उनको कोने में एक शहर से बना विलेजेस से बना दिए जाएंगे और उनको परमानेंट एक कैंप जैसा क्रिएट करके दे दिया जाएगा कि भैया तुम्हें यहीं रहना है, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी, उनके काम पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी, उनका लैंड तो पहले ही लेने की बातें की जा रही हैं। तो इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है यूनाइटेड नेशंस ने कि ये परमानेंट कैंप्स बना देगा एक ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बांग्लादेश गई हुई है इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो वहां पर उन्होंने कुछ गिफ्ट्स दिए बांग्लादेश को, तो इंडिया ने गिफ्ट किया बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर को मेमोरेबिलिया ऑफ द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, जो बांग्लादेश का लड़ाई हुई थी उसमें से कुछ मेमोरियल्स जो हैं वो इंडिया ने बांग्लादेश को गिफ्ट किए हैं। तो ये क्या है जो सब इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूटिलाइज्ड बाय द जॉइंट फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर, एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स आर्चिवल ऑडियो वीडियो। तो अपने लिए इतनी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है, वैसे ही मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया ठीक है। उसके बाद रूल्स टू बी ईज्ड फॉर तिब्बतन रिफ्यूजीज़ एग्जिट परमिट फॉर फॉरेन ट्रैवल में गो, तो अभी तिब्बतन रिफ्यूजीज़ जो रह रहे हैं कुछ, अब अपने यहाँ पर थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं, कुछ 1 लाख तिब्बतन रिफ्यूजीज़ रहते हैं इंडिया में ठीक है, और इनके मेजर कंसंट्रेशन जिन स्टेट में है वो आपकी कर्नाटका है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है,
उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है और J&K है, ठीक है। तो तिब्बतन रिफ्यूजीज ने आना कब शुरू किया था? तिब्बतन रिफ्यूजीज जब वहाँ से दलाई लामा भागे थे तिब्बत से, ठीक है, 1959 में, और इंडिया में आके उन्होंने रिफ्यूज लिया था, तब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा तिब्बतन रिफ्यूजीज भी आए थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो इन तिब्बतीज़ को असाइलम जो है वो प्रोवाइड करेंगे और टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स बना कर देंगे। अगर आप धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जाएँ तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आप मिनी तिब्बत में आ गए हो, ठीक है। तो ऐसे हमने इनको टेम्प्रेरी सेटलमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर कर दी हैं। तो इन जो ये असाइलम लेकर आए तिब्बतीज जो इंडिया में रह रहे हैं, तिब्बतन रिफ्यूजीज जो हैं, अगर इन्हें किसी बाहर कंट्री में जाना होता था तो इसके लिए इनको पहले क्या करना पड़ता था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक एग्जिट परमिट लेना पड़ता था। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो इनको एग्जिट परमिट ग्रांट करेगी तो ये फर्दर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिसाइड किया कि हम ये एग्जिट परमिट वाला जो सिस्टम है ना, इससे थोड़ा सा हट लेते हैं, इनको अब तिब्बतन्स को हमसे एग्जिट परमिट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जब उन्हें किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करना है वो सीधा सीधा वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और अगर उन्हें वीज़ा मिल जाता है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने की सरकार ने अब बात कर दी है, इसको कैबिनेट के आगे रखा जाएगा, और अगर कैबिनेट जो है वो इसको अप्रूव करेगा तो इसको फर्दर रेगुलेशंस में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैटल स्मगलिंग गोज़ ऑन अलॉन्ग इंडो बांग्ला बॉर्डर। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि एक BSF जवान के ऊपर इन स्मगलर्स ने अटैक कर दिया था और उनकी डेथ हो गई थी अभी रिसेंटली, 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ है। तो कैटल स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर होती है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे। कुछ 5.32 लाख हेड्स ऑफ कैटल वैल्यूड एट अबाउट 350 करोड़ हैव बीन सीज्ड सिंस 2014। ये तो सीज्ड है, 350 करोड़ की कैटल जो स्मगल की जा रही थी उसको तो सीज़ किया है BSF ने। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रेड कितने वाइड स्केल पर होगा, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर हो रहा है इलीगल वो कितने ज़्यादा वाइड स्केल पर होगा, ठीक है। तो स्मगलर्स फाइंड न्यू रूट्स अलोंग द पोरस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आप जानते हैं कि काफ़ी पोरस है, पूरी तरह से सील्ड नहीं है, तो अगर एक रूट से उनको रोका जाता है तो वो कोई कोई नया रूट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं स्मगल करने का। इसीलिए BSF के एक सीनियर ऑफिसर ने भी बोला है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टॉप स्मगलिंग एज द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी हाई एंड लोकल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम इट। वो हमने बेनिफिट कितना है वो हम यहाँ से एस्टिमेट लगा ही सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा ट्रेड है। कुछ आप देखें 2014 में 1,09,999, फिर 2015 में बढ़ गया, फिर 2016 में बढ़ गया, और 2017 में भी इसके बढ़ने के ही चांसेज हैं क्योंकि टिल सेप्टेम्बर इतना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्केल पर हो रहा है, और ये जो सारा डाटा है ऑफिशियल डाटा है, BSF और लोकसभा क्वेश्चंस में से डाटा उठाया गया है, ये तो आपका बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंश्योर स्टेट पैनल फॉर वुमेन आर सेटअप सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि भैया जो स्टेट कमीशंस फॉर वुमेन बनाई जाने की बात की गई थी लॉ के अंडर, जैसे आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट बनाया गया था एक, उसमें स्टेट कमीशन फॉर वुमेन बनाने की भी बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को पूछा है कि क्या ये स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है असलियत में बने हुए हैं सारी स्टेट्स के लिए कि नहीं। तो टॉप कोर्ट रेज द क्वेश्चन एज इट डेल्ट विद द इशू ऑफ प्रिकेरियस कंडीशन फेस बाय डिस्टिट्यूट विडोज लिविंग इन वृंदावन एंड अदर प्लेसेज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो वृंदावन में आप जानते हैं कि जो विडो वुमेन हो जाती हैं उनको लेकर जाकर उनकी फैमिलीज जो है वहाँ पर अबेंडन कर देती हैं, और वहाँ पर जो धर्मशाला टाइप या आश्रम टाइप बना हुआ है उनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है, और उनकी वहाँ पर कंडीशन जो होती है वो काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। उनको अलाउड नहीं होती लिबर्टी, उनको अलाउड नहीं होती, उनको कहीं आना जाना अलाउड नहीं होता, किसी से बात करना अलाउड नहीं होता, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर होती हैं। तो टॉप कोर्ट ने इसका इशू, सुप्रीम कोर्ट ने इसका इशू उठाते हुए पूछा है कि क्या ये स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है इन स्टेट्स में और इन चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल से भी कुछ बात की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि द सोलिसिटर जनरल शुड ऑल्सो इन्फॉर्म अस वेदर द SCW स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग, सच में है या नहीं। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो सेंटर को कम्युनिकेट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, और उनको कहना चाहिए कि भैया इंश्योर करो कि ये स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है वो बनाए जाएँ, जो लॉ के हिसाब से बनने चाहिए उनको बनाया जाए। नो एक्सेस टू जस्टिस। इन ऑगस्ट द टॉप कोर्ट हैड सेड दैट द ऑस्ट्रेसाइज्ड डिस्टिट्यूट विडो बिलोंग टू सोशली डिसएडवांटेज क्लास, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अरे जो विधवा औरतें होती हैं ये सोशली डिसएडवांटेज क्लास में होती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर जो है एट्रोसिटीज़ हो रही हैं एंड वर नॉट ट्रीटेड विद द डिग्निटी दे डिजर्व इन द शेल्टर होम्स इन वृंदावन एंड एल्सवेयर। तो इस पर अब देख लेते हैं सेंटर और सुप्रीम कोर्ट आगे क्या बात करते हैं अपने लिए, तब हम देख लेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई एग्जेम्प्ट सीबीआई फ्रॉम आरटीआई एक्ट नोटिफिकेशन एम्ड एट स्कटलिंग अपील फॉर डॉक्यूमेंट्स इन बोफो केस पिटिशनर। ठीक है, तो 2011 में एक पिटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। पिटिशन का ये कहना था कि जो सीबीआई को सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है आरटीआई से, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट में डाल देती हैं, जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया जाता है आरटीआई एक्ट से। ठीक है, तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो ये दें ना दें इनकी मर्जी है। ठीक है, तो सीबीआई को भी वैसे ही एग्जेम्प्शन लिस्ट में डाला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दर्ज की गई थी 2011 में कि जो सीबीआई है उसको क्या बेसिस हैं उसको एक एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डालने के, क्योंकि इट इज़ नॉट अ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा अपील का कहना है। तो अब फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली गई है इस महीने सुप्रीम कोर्ट में कि जो 2011 की पिटिशन थी उसको ऊपर जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट जो है वो हियरिंग करे। द फ्रेश एप्लीकेशन फाइल्ड अर्लियर दिस मंथ फॉर एन एडवांस्ड हियरिंग इन द केस एल्ज्ड दैट द नोटिफिकेशन वॉज सोलली टू स्कटल द आरटीआई अपील्स pending before the Chief Information Commissioner, New Delhi, in regard to Bofors Quattrochi case, in which order was passed by Central Information Commissioner directing the CBI to provide the requisite papers to the petitioner. अब जो फ्रेश एप्लीकेशन है उसमें ये बोला गया है कि 2011 की अपील ने यह कहा था कि आरटीआई एक्ट में सरकार ने सिर्फ इसलिए सीबीआई को डाला है ताकि जो एक अपील डाली गई थी जिसमें पूछा गया था कि बोफोर्स केस के बारे में भैया क्या क्या तुमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है अभी तक, वो पेटिशनर ने मांगी थी और उस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए सीबीआई को सरकार ने एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया। तो ये बिल्कुल गलत है और सीबीआई जो है उसको आप एग्जेम्प्टेड लिस्ट से हटाइए और आरटीआई एक्ट के अंडर लेके आइए, ऐसा इस अपील का कहना है। और पिटिशनर का क्या कहना है, पिटिशनर का कहना है कि सच एन इमीडिएट डिसीजन has a profound impact on the citizen of India in as much as it restricts their fundamental right to information. ठीक है, हमारा आर्टिकल 19 ये वॉयलेट करता है, हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन ये वॉयलेट करता है। By this method, the government could keep adding organizations to the second schedule. अब इनका ये भी कहना है कि ऐसे तो exemption list इन्होंने बना दी सरकार का, जिस organization को मन करेगा उसको exemption list में डाल देंगे, ये बोल के कि भैया हमारा security concern है, फिर तो इस एक्ट का, ऐसे एक्ट का कोई फायदा ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ में एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्राइबल हेमलेट्स टू गेट पंचायत स्टेटस। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है, अभी तेलंगाना गवर्नमेंट एक स्टेप लेने की बातें कर रही है। द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ रिजॉल्व टू ब्रिंग आउट अ लेजिस्लेशन एम्ड एट अकॉर्डिंग विलेज पंचायत स्टेटस टू ऑल ट्राइबल हेमलेट्स इन द स्टेट। ठीक है, जो छोटे छोटे ट्राइबल हेमलेट्स होते हैं ना उनको पंचायत स्टेटस दे जाने की बात कर रही है। अभी तक पंचायत स्टेटस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो थोड़े बड़े विलेजेस होते थे उनको देते थे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता था, छोटे छोटे जो ट्राइबल हेमलेट्स होते थे वो इग्नोर हो जाते थे। तो अब तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम इन जो छोटे छोटे ट्राइबल हेमलेट्स हैं इनको भी विलेज पंचायत स्टेटस देंगे। This will ensure that the residents of these hamlets, including those in far-flung areas, would receive the benefit of the welfare and development programs. ठीक है, proper जो development programs हैं इन tribal hamlets तक अब पहुँच पाएंगे। तो वहाँ के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि एक बार ये जब बिल स्टेट असेंबली में पास हो जाएगा तो ईच ऑफ दिस विलेजेस, जो ये छोटे छोटे ट्राइबल हेमलेट्स हैं, इनको कुछ 10 लाख से 25 लाख इनके साइज के हिसाब से अलॉट किया जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट इशूज़ और जो पब्लिक इम्पॉर्टेंस के जो इशूज़ हैं इन हेमलेट्स में उनको रिजॉल्व करने में इनको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पेन सैक्स कैटलन गवर्नमेंट टू होल्ड पोल्स। तो अभी आपको पता है कि 1 अक्टूबर को वहाँ पर रिफ्रेंडम कराया गया था कैटलिनियन गवर्नमेंट ने, और उस रिफ्रेंडम में जो पॉपुलेशन है उन्होंने वोट किया था फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। तो अब स्पेन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं। तो स्पेन गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कैटलोनियन गवर्नमेंट है, उसको सस्पेंड करने की बात कर दी है।
ठीक है, तो स्पेन ने अनाउंस कर दिया कि दैट इट वुड मूव टू डिसमिस कैटालोनिया सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट एंड कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस इन सेमी ऑटोनॉमस रीजन टू स्टॉप द लीडर्स फ्रॉम डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। तो स्पेन ने कह दिया कि भैया ये जो कैटालोनिया की सरकार थी काफ़ी ज़्यादा सेपरेटिज्म प्रमोट कर रही है, ठीक है, लोगों को प्रोवोक कर रही है कि भैया हम अपना अलग देश बना लेंगे, तो हम इस सरकार को हटा रहे हैं और अगले 6 महीने के अंदर अंदर हम जो है फ्रेश इलेक्शन जो हैं वो कराएंगे। इन द मीन टाइम द जॉब्स ऑफ मिस्टर पिगमेंट जो वहाँ पे अभी प्रेसिडेंट थे सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट जिसको सस्पेंड करने की बात की जा रही है, उनका जो सारा काम था वो स्पेन के नेशनल मिनिस्टर्स देखेंगे, ठीक है, तो सीधा नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा कैटालोनिया का रीजन 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन इलेक्शन करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोनॉमी जो है वो हाईली सेंसिटिव है, आपको पता है कि कैटालोनियन गवर्नमेंट ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है, वहाँ पे ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है उस रीजन को, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 155, अब स्पेन ने आर्टिकल जो स्पेन की नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने आर्टिकल 155 का यूज़ किया है जो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें स्पेन की जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ रिबेलियस रीजन्स बट इट हैज़ नेवर यूज देम बिफोर। तो आर्टिकल 155 का पहले कभी यूज़ नहीं किया है, जैसे यहाँ पर अपना प्रेजिडेंट रूल लग जाता है ना, एक तरह से लगा लो आर्टिकल 155 वहाँ पे वही काम करता है, ठीक है, आज तक यूज़ नहीं किया गया, लेकिन अब इसको यूज़ किया जाएगा कैटालोनिया के केस में। वी आर अप्लाइंग आर्टिकल 155, ऐसा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि वी आर अप्लाइंग आर्टिकल 155 बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री कैन नॉट एक्सेप्ट द लॉ इज इग्नोर्ड, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाता है, वैसे ही आप ये लगा लो कि वहाँ का ये प्रेजिडेंशियल जो है प्रेजिडेंशियल इमरजेंसी है जिसको वहाँ पर लगाया जा रहा है अंडर आर्टिकल 155। वहाँ के प्रधानमंत्री का ये भी कहना है, स्पेन के प्रधानमंत्री का, दैट द मेजर्स डिड नॉट अमाउंट टू सस्पेंडिंग कैटालोनियाज एट ऑटोनोमी, ठीक है, उनका ये कहना है कि जो हमने कैटालोनिया को ऑटोनोमी प्रोवाइड की है आर्टिकल 155 लगाने से हम वो उसका नहीं हटा रहे, वो ऑटोनोमी उनसे हम नहीं ले रहे और वहाँ पर इलेक्शंस कराए जाएंगे 6 महीने के अंदर अंदर, हमारा बस मेन एम ये है कि जो अभी वहाँ पर सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये जो सारे जो स्टेप्स लिए हैं वहाँ की सरकार ने, ठीक है, तो ये स्टेप्स क्यों लिए, क्योंकि एक तो स्पेन चाहता है कि वो इंटीग्रेटेड रहे और स्पेन को काफ़ी ज़्यादा बैकिंग भी है, स्पेन हैज़ वॉन पावरफुल बैकिंग फ्रॉम स्पेनिश किंग। तो जो स्पेन के किंग है उन्होंने भी कहा कि हाँ भैया हम ऐसे अपने देश को टूटने नहीं देंगे, जो स्पेन की सरकार कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। एंड द यूरोपियन यूनियन किंग फेलिपी सिक्स क्रिटिसाइज्ड व्हाट ही सेड वाज एन अनएक्सपेक्टेबल सीजेशन अटेम्प्ट एंड सेड कैटालोनिया वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी स्पेन। तो स्पेन के पास अच्छा खासा जो है सपोर्ट है कंट्री को इंटीग्रेटेड रखने के लिए। अब स्पेन का इफेक्ट कुछ थोड़ा सा इटली पे भी ट्रांसफर हो गया है, तो इटली में भी दो रीजन बोलने लगे हैं कि भैया हम भी रिफरेंडम कराएंगे ऑटोनॉमी के लिए। अब स्पेन में जो रिफरेंडम हुआ था, कैटालोनिया ने जो रिफरेंडम किया था वो इंडिपेंडेंस से था कंट्री के लिए कि भैया हमें तो अलग देश बना दो, कैटालोनिया वाले लोग कह रहे थे कि कैटालोनिया नाम का एक अलग देश हम बनाएंगे। लेकिन इटली में जो रिफरेंडम के लिए अब थोड़ी चर्चा हो रही है वो ये है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन चाहिए, ऑटोनॉमी में आपकी पावर्स आ जाती हैं कि गवर्नमेंट के पास ऑटोनॉमी होती है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, पॉलिसी बनाने की ऑटोनॉमी, तो वो उस सब की बात कर रहे हैं। तो इटली में भी दो आपके वेल्दी रीजन्स हैं, ठीक है, उनका ये कहना है कि अब हम ऑटोनॉमी कराएंगे, ठीक है। तो दो रीजन्स कौन से हैं वो आपके, लोम्बार्डी एंड वेनेटो, ठीक है, और ये दोनों ही रीजन जो हैं लोम्बार्डी एंड वेनेटो, इनका भी कैटालोनिया की तरह यही कहना है कि जितना हम टैक्सेस में पे करते हैं सरकार को ये दो रीजन, उतना हमें वापस नहीं मिलता, उतना हमें टैक्स वापस नहीं मिलता। देखें अगर आप, तो लोम्बार्डी जो है वो फाइनेंशियल हब मिलान जो है वर्ल्ड का वो लोम्बार्डी में है आपका, और ये कुछ अकाउंट करता है 20% ऑफ इटलीज इकोनॉमी। वहीं अगर आप वेनेटो को देखें, वेनेटो विच इंक्लूड्स टूरिस्ट मैग्नेट वेनिस, वेनिस काफ़ी लोग सपना देखते हैं भाई लोग जाने का, ठीक है, एक मेरा भी ड्रीम है कि मैं कभी ना कभी वेनिस जाऊँ, तो वेनिस का काफ़ी लोग देखते हैं और वो कम से कम 10% जो है वो जो इटालियन इकोनॉमी है उसमें उसका पार्ट है। तो ये लोग कह रहे हैं कि यार हम इतना पैसा देते हैं हमें उतना मिलता नहीं, तो हमें थोड़ी ऑटोनॉमी चाहिए जिससे हमारी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हमें तुम दो। तो उसके लिए अभी रिफरेंडम कराने की बात कर रही है जो वहाँ पर लोग इन रीजन्स की जो सरकारें हैं कि हम भी रिफरेंडम कराएंगे। ये रिफरेंडम जो होगा ये बाइंडिंग नहीं होगा सरकार पे, लेकिन ये एक विल शो कर देता है कि हाँ भैया हमारे लोग चाहते हैं कि आप हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलना
और जब आप सब्सक्राइब करो तो साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, आपको रेगुलरली जो है वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्विज क्वेश्चंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, उसको देखना मत भूलना। वो आपको आपकी तैयारी किस स्टेज पर है, कितना आपको एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है और क्या क्या आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है वो जानने में हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।